morning students, how are you all? Yes, today is our lecture number 3rd of chapter 1st, matter in our surroundings. अभी तक हमने क्या किया? मैटर किया, करैक्टरिस्टिक्स किया मैटर्स की, और फिर हमने स्टेट्स किया मैटर्स की, हमारे स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस. फिर हमने क्या किया? सॉलिड लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस. सिर्फ कितने डिफरेंस किए थे? डिफरेंस किए थे ना सॉलिड लिक्विड एंड गैस में. अब हम आगे अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं. ठीक है? यस, राइट डाउन. फोर्थ डिफरेंस इज, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट. थोड़ा सा ना प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं. आपने हमने पढ़ा क्या है, आपको कितना याद है, कितना लर्न है बताओ. सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनकी डेफिनेट शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, उनको सॉलिड्स बोलते हैं. और जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स साइज नहीं होता, उसको लिक्विड बोलते हैं. और गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई फिक्स्ड साइज नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, साइज नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? दैट इज गैसेस. उसके बाद क्या किया था? सॉलिड्स रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लिक्विड हार्ड नहीं होते, और गैसेस भी हार्ड नहीं है. उसके बाद क्या किया था? क्लोजली पैक्ड हैं इसके पार्टिकल्स, सॉलिड के लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स मोर लूजली पैक्ड हैं. ठीक है? यस, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. There is strong force of attraction between particles. ठीक है? और यहां पर क्या हो जाएगा? There is less force of attraction. Between particles. देखो, ये हमारे पास सॉलिड है, ये डस्टर, इसके पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमसे टूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी. ऐसे हम इस बोर्ड को नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन हम पानी को ऐसे अपना हाथ उसके अंदर डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. एयर में अपना हाथ फ्रीली ऐसे मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि एयर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम. इसलिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल. और यहां पर क्या हो जाएगा? देयर इज space, there is space between particles. यहाँ पर there is more space between particles. There is more space between particles. देखो, ये हम ना सर्कल से क्या बना रहे हैं? पार्टिकल्स बना रहे हैं. किसके? सॉलिड के. ठीक है? ऐसे हमने एक पार्टिकल इधर बना दिया इनके ऊपर, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. देखो, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं पार्टिकल्स. लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है? और गैसेस के पार्टिकल में भी स्पेस प्रेजेंट है,
बट वो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं है पार्टिकल्स में, यहाँ पर स्पेस है कम है और यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये देखो स्पेस कम है तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर स्पेस कम है, स्पेस है लेकिन स्पेस है तो है ना, जिसकी वजह से दोनों में अट्रैक्शन कम है, कम फोर्स है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है जिसकी वजह से अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। यस नेक्स्ट, दे कैन नॉट फ्लो। क्या ये लेक्चर स्टैंड, क्या ये व्हाइट बोर्ड अपने आप मूव कर जाएगा, वहां चला जाएगा? नहीं जाता ना। तो सॉलिड कभी भी अपने आप से फ्लो नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, दे वाइब्रेट, कैन वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजिशन पे, ऐसे ऐसे हिलने लग जाते हैं लेकिन मूव नहीं करेंगे। और क्या लिक्विड मूव करते हैं? वेरी गुड, दे कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। हम पानी को यहाँ गिरा दें, थोड़ी देर बाद पानी थोड़ा थोड़ा उधर पहुंच जाएगा, वो करते हैं लिक्विड्स। गैसेस, दे कैन फ्लो वेरी इजीली, या फिर दे कैन फ्लो रैपिडली, मतलब ये ना जल्दी से फ्लो करते हैं गैसेस। अब देखो हमने क्या किया गैसेस के लिए, अब हम परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगाने से उसमें हमने यहाँ परफ्यूम लगाया लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूर तक भी आपको फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स है ना वो वेपर्स है, गैस है, और गैसेस क्या करती है, फ्लो करती रहती है इजिली, फास्टली मूव कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इन Incompressible का मतलब है हम सॉलिड को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते बिल्कुल भी, ये हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। तो सॉलिड सारे कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, लेकिन लिक्विड्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, सॉरी कंप्रेसिबल नहीं है वो गैसेज है, ये क्या है, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखो सॉलिड है, ये है वाइट बोर्ड, हम इसको दबा रहे हैं, इस पर कोई असर नहीं है, ये कोई कंप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ आपने पानी की बकेट रख दी, कहाँ पर, यहाँ रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस बकेट में हम अपने हाथ से ऐसे प्रेशर लगाएंगे, फुल है बकेट ऊपर तक अप टू ब्रिम में, तो जब हम ऐसे प्रेशर लगाते हैं ना, क्या पानी नीचे की तरफ चला जाता है, नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा पानी गिरा दो, इतनी सी स्पेस छोड़ दो बकेट को फुल होने में, फिर हम अपने हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, पानी नीचे जाता जाता ऊपर आ जाएगा, तो हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। बट आपने देखा होगा जो आपके घरों में सिलेंडर्स यूज होते हैं, है ना, सिलेंडर्स यूज होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस है, एलपीजी। एलपीजी को हम कैसे कंप्रेस कर करके, प्रेशर लगा लगा के उस सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हैं, तो गैसें सारी कैसी हैं, कंप्रेसिबल। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Very good. Yes. Next, eighth point. Eighth is, they have no kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है भाई? They have no kinetic energy. और यहां लिखो, they have kinetic energy. और उधर they have maximum kinetic energy. They have
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन। मोशन के लिए, मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि ये सॉलिड तो मूव करते नहीं है, तो इनके पास कैसी होगी? जीरो, नो काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड मूव कर सकते हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ क्या है? एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और गैसेस फास्टली मूव करते हैं, तो इनकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। दोबारा से, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी करेंगे। नेक्स्ट, दे कैन नॉट डिफ्यूज, दे कैन नॉट डिफ्यूज, ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज नॉट टेक प्लेस। ये सही है, से डिफ्यूजन इज नॉट टेक प्लेस। और यहां पर डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस। और इधर क्या आएगा? डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस रैपिडली, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस रैपिडली। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्स होना। जैसे एयर, एयर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, मीथेन, ये सारे गैसें एक दूसरे के अंदर मिक्स है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। हमने यहाँ अगरबत्ती लगाई, यहाँ पर अगरबत्ती की सारी की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये क्या है? इंटरमिक्सिंग। किसके साथ? अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं, जो वो वेपर्स हैं, वो किसके साथ मिक्स हो गए हैं? एयर के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती। अब देखो इस बेंच को और इस लेक्चर स्टैंड को हम अगर मिला दें, क्या मिलेंगे? ये नहीं मिलते ना, तो यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, कोई डिफ्यूजन नहीं है। वाटर के अंदर एल्कोहल मिला दो, इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर वाटर मिला दो, वो भी मिक्स हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन मिला दो, मीठा पानी मिला दो, नमकीन पानी मिला दो, वो भी मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है? डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस। और एयर्स में, गैसेस में तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्टली होता है। और नेक्स्ट इज, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे ज्यादा मास किसका होता है? सॉलिड का। ठीक है, दे हैव लेस डेंसिटी, वाटर लिक्विड स्टेट में जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, उन सभी का मास सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है? कम है, तो इनकी डेंसिटी कम है। और इधर क्या लिखेंगे? दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। ठीक है, इधर लिखो, समझ लिया आप डेंसिटी का मतलब? कि कितना मास है, जिसका जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। अब मुझे ये बताओ, एक है आयरन, एक है चौक, और एक है हमारे पास रबर बैंड, देखा आप लोगों ने? वेरी गुड, ये रबर बैंड है, और एक है हमारे पास वाटर। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? नहीं पता, नहीं बता पा रहे। अब बताओ सबसे ज्यादा मास किसका है? अब बता दोगे ना किसका? सबसे पहले आयरन का, फिर किसका है? चौक का, फिर किसका है? रबर बैंड का। तीनों की स्टेट क्या है? सॉलिड। वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड। तो सबसे बाद में किसका आया? लिक्विड का, है ना। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका है? आयरन, चौक, रबर। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? यस, टेल मी द आंसर।
आयरन, फिर चॉक, फिर रबर बैंड और फिर वॉटर. इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ गए ना हर एग्जाम्पल से? तो ये पॉइंट है, जरा एक बार रीड करके देखो इनको. कोई प्रॉब्लम है तो हम ना डाउट सेशन में अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर लेंगे. देखो जरा सभी के सभी डिफरेंसेस रीड करके. करो सभी डिफरेंसेस रीड और बताओ समझ आया है, कोई डिफरेंस ऐसा लगा है? इट इज क्लियर? वेरी गुड. एग्जाम्पल्स वो आपको मैंने पहले लिखवा दिए थे, ठीक है? हम यहाँ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन, हम अभी क्या करना, हमने क्या काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी. Required, the amount of energy required. किसके लिए? Required for motion, required for movement. That is called kinetic energy. Next क्या था हमारे पास? Diffusion. Diffusion क्या है? It is the क्या है? Spontaneous process of इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, क्या है ये डिफ्यूजन? क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप में, अपने आप हो जाना. जो अपने आप होता है, जैसे चाय ठंडी हो जाती है अपने आप, है ना, पानी ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है, ये सारे कैसे प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये. और कैसा है? इंटरमिक्स होने का. पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ये रीड करना आप. आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एवरीवन.